ये हमारा नाम अगर किसी ने देख लिया तो कहाँ सोचेंगे। ये पृथ्वी इस तरह मीरा के हाथों को घूर घूर के क्यों दिख रहा है? काहिसा, अपने हाथ से हमारे नाम को मिटा दो। अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। देख लेने दो, मैं तुम्हारी तरह सच्चाई से नहीं भागती। मेरा दिल कांच की तरह साफ है, जो मेरे दिल में है वही मेरी जुबान पर है। और मुझे तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग्स छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे खुद पर भी भरोसा है और अपने प्यार पर भी। कौन से प्यार की बात कर रही हो तुम? वो जो उस दिन हमने छत पर देखा था। तुमने जो देखा उसी को सच मान बैठे। Well, वो उतना ही सच था जितनी सच्चाई उस होटल रूम की कहानी में थी। पर मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किए, कभी तुम पर शक नहीं किया प्रीति, क्योंकि मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं है और ना ही मेरा प्यार। तो बहुत कमजोर निकली पृथ्वी, अपनी आंखों देखी को सच मान लिया और अपने दिल की एक भी नहीं सुनी। तुमने अपने हाथों पर और पृथ्वी का नाम लिखा है ना, वो तो कुछ दिनों में मिट जाएगा, लेकिन आज तुम्हारा नाम मैं एक ऐसी जगह लिखूंगा जो कभी नहीं मिटेगा। मैं कभी नहीं, एक बात और, अब ये नाम मेरी जिंदगी से कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि ये सिर्फ मेरे हाथ पर नहीं, मेरी किस्मत की रेखाओं में भी खाऊ। यहां पर तुम्हारे और मियो के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूं कि जब भी तुम हमारी किस्मत से आके जुड़े हो हमें सिर्फ दुख ही मिला है।
और कुछ नहीं। 20 साल पहले जब बचपन में मियो और तुम्हारी शादी हुई थी, तो 20 साल तक मुझे अपने पति से और मियो को अपने पिता से दूर होना पड़ा। फिर गांव में जब तुम दोनों की शादी हुई, तो मियो को आकाश से दूर होना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मियो और आकाश दूर हो एक दूसरे से। दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है या जरा सा भी तुम्हें एहसास है कि दाता ने तुम्हारे लिए कुछ एहसान किए हैं, तो तुम उनकी शादी में नहीं जाओगे पृथ्वी। वादा करो कि तुम ही और आकाश की शादी में नहीं जाओगे। तुम वादा नहीं, कसम खाते हैं, हम आकाश और मीरा की शादी में नहीं जाएंगे। एक्सर्शन करने से उठिए, अब चलकर अपने कमरे में आराम कर लीजिए। वजह से मियू और आकाश दूर हो एक दूसरे से। प्लीज उन दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है या जरा सा भी तुम्हें एहसास है कि दाता ने तुम्हारे लिए कुछ एहसान किए हैं, वादा करो कि तुम मियू और आकाश की शादी में नहीं जाओगे।